इधर युद्ध में यूक्रेन का साथ छोड़ सकता है ब्रिटेन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। साल के अंत तक यूक्रेन की मदद रोक सकता है ब्रिटेन। महंगाई और एनर्जी के दामों ने चिंता बढ़ा दी है ब्रिटेन की। यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद ब्रिटेन की तरफ से रोकी जा सकती है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के सामने होगा बड़ा चैलेंज। रूस से भीषण जंग लड़ रहे यूक्रेन को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को मदद मुहैया करा रहे हैं। यूक्रेन को सैन्य पैकेज समेत हर जरूरी मदद की जा रही है। ऐसे में किसी भी देश का मदद से हाथ पीछे खींचना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। खबर है कि युद्ध में ब्रिटेन यूक्रेन का साथ छोड़ सकता है। साल के अंत तक ब्रिटेन यूक्रेन की मदद रोक सकता है। ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 2.3 बिलियन यूरो की मदद दे चुका है। इसके साथ ही ब्रिटेन की आर्मी यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग भी दे रही है, जिससे यूक्रेन की फौज रशियन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन अब महंगाई और एनर्जी संकट ने ब्रिटेन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। ऐसे में ब्रिटेन 3 महीने बाद यूक्रेन को मदद करने की स्थिति में नहीं होगा। अपने हितों का हवाला देकर ब्रिटेन यूक्रेन की मदद रोक सकता है। बीते दिनों यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन पहुंचे थे। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को 5.4 करोड़ पाउंड की मदद का ऐलान भी किया था। अगले 1 से 2 हफ्ते में ब्रिटेन को नया पीएम मिलने वाला है। नए प्रधानमंत्री के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे। उधर रशिया ने यूक्रेन पर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व विनाश। यूक्रेन पर परमाणु रेडिएशन का खतरा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बरसेगी मौत। 6 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध से अब परमाणु खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद से इस पर हमले हो रहे हैं। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रूस ने कहा है कि इस हमले से प्लांट से जुड़ी एक पाइपलाइन डैमेज हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेवका ने कहा कि यूक्रेन लगातार ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर रहा है, जिससे महाविनाश की आशंका पैदा हो रही है। कोनाशेवका ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने कम से कम 9 मिसाइलें दागी, जिनमें से 3 ऐसी जगह लैंड हुई जहां न्यूक्लियर फ्यूल और रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर किया गया था। इस हमले से नुकसान नहीं हुआ और रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। रूस के इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा लगातार बना हुआ है। युद्ध को लेकर एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 6 महीने से ज्यादा की इस लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो रूस का खास मिलिट्री ऑपरेशन भी सफल नहीं हुआ। पुतिन ने जिस जंग को महज 72 घंटे में जीत कर लौट आने का ख्वाब देखा था, अब उस ख्वाब को 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी रूस जीत से बहुत दूर है। जानकार बता रहे हैं कि रूस ने जंग जीतने की जितनी भी रणनीति बनाई सब धरी की धरी रह गई और जंग 6 महीने खिंच गई। रूस का ZV और ओ मार्क वाला मिलिट्री काफिला यूक्रेन में कुछ खास नहीं कर सका। रूसी फौज ने 72 घंटे तय किए, लेकिन 6 महीने रूस पर ही भारी पड़ गए। कीव, खार्किव, डोनबास और खेरसोन के पास रूस के 15,000 सैनिक यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को नहीं तोड़ पाए। कीव में नाकाम होने पर रूस ने डोनबास पर अटैक किया, जिसमें भी उसे नाकामी हाथ लगी। लोहांस डोनेस्क में रूस ने 65% ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। टर्की से मिले बैरेक्टर TB2 ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी फौज को तोड़ कर रख दिया। नेटो की आर्टिलरी और हिमार्स से यूक्रेन ने भीषण प्रहार किए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस पिछले 6 महीने से जिस जंग को जीतने की जद्दोजहद कर रहा है, उस पर पानी फेरने के लिए पश्चिम से मिली मदद का बड़ा हाथ है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।